तो ग्रेटर नोएडा में लगातार कोरोना वायरस के जो पॉजिटिव है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उनमें इजाफा होता जा रहा है और उसका आंकड़ा 37 पहुंच गया है। आपको ये भी बता देते हैं, इसमें एक 2 साल के बच्चे के अंदर भी कोरोना के लक्षण पाए गए हैं और उन सभी जो मरीज है उनको हॉस्पिटल में भेज दिया गया है, उनका इलाज जारी है। तो वहीं पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डीएम बीएन सिंह को इसके लिए फटकार लगाई थी, उनकी लापरवाही के चलते उनको फटकार लगाई गई थी और फटकार के बाद डीएम ने पत्र लिखकर 3 महीने की छुट्टी मांगी है। तो इसी को लेकर आपको बता रहे हैं, खबर सूत्रों के हवाले से है, जहां पर ग्रेटर नोएडा के डीएम को निलंबित किया जा सकता है, उनके ऊपर बड़ी कार्रवाई की जा सकती है। तो ग्रेटर नोएडा में आज 4 और कोरोना के मरीज मिले हैं, जिसमें एक 2 साल का बच्चा भी शामिल है। एक 2 साल के बच्चे में भी कोरोना वायरस के लक्षण पाए गए हैं। तो ग्रेटर नोएडा के जिला अधिकारी बीएन सिंह पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है, उनकी लापरवाही के चलते ग्रेटर नोएडा में लगातार कोरोना के मरीजों का इजाफा होता जा रहा है, लगातार संख्या बढ़ती जा रही है और अब उसका आंकड़ा 37 पहुंच चुका है। इसी को लेकर सीएम योगी ने डीएम बीएन सिंह को फटकार लगाई थी और उनको बताया कि तुम्हारी लापरवाही के चलते इतना बड़ा ये जो कोरोना वायरस के संक्रमण है लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और इसी को लेकर ही खबर आपको सूत्रों के हवाले से बता रही है, जहां पर खबर ये आ रही है कि ग्रेटर नोएडा के डीएम बीएन सिंह को निलंबित किया जा सकता है, उनके ऊपर बड़ी कार्रवाई हो सकती है। एक तरफ पूरी जनता कोरोना वायरस से लेकर परेशान है और इसी को लेकर ग्रेटर नोएडा के डीएम पत्र लिखकर 3 महीने की छुट्टी मांग रहे हैं। तो नोएडा में आज ही मिले हैं 4 कोरोना पॉजिटिव मरीज और हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं अनूप सिंह लखनऊ से। अनूप, जिस तरीके से यहाँ पर डीएम ने छुट्टी मांगी थी, इनको फटकार लगाने के बाद उन्होंने छुट्टी मांगी, अब इसके बाद खबर ये आ रही है सूत्रों के हवाले से कि डीएम पर अब बड़ी कार्रवाई हो सकती है, उनको निलंबित किया जा सकता है। देखिए दिशा, बिल्कुल सही बात है, जिस तरीके से नोएडा डीएम ने शुरुआत से लापरवाही उनके जिले में नजर आई है, मुख्यमंत्री हर जिले का इस समय मॉनिटरिंग कर रहे हैं, चाहे उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की बात करें तो नोएडा में 88 में से जो 38 जो मरीज हैं वो नोएडा में कोरोना से पॉजिटिव है। तो जाहिर सी बात है, इतनी बड़ी तादाद में वहां पर जो कोरोना से पॉजिटिव मरीज मिले हैं तो कहीं ना कहीं नोएडा जो जिला प्रशासन की या फिर वहाँ स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। इतनी तादाद में वहाँ पर किस तरीके से वहाँ पर जो मरीज पॉजिटिव मिले, इसको लेकर हालांकि लगातार मॉनिटरिंग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। आज जिस तरीके से नोएडा पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सभी अफसरों को बुलाकर मीटिंग किया और उसमें जो सीएमओ है वहां के और जो डीएम नोएडा है उनके बीएन सिंह, उनकी लगातार फटकार लगाने के बाद जो हालांकि वहां पर हॉट टॉक भी हुई सीएम से। जी बिल्कुल, शुक्रिया अनूप सिंह इस खबर अधिक जानकारी देने के लिए, आगे की अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तो सीएम के फटकार के बाद डीएम ने छुट्टी मांगी थी, लेकिन खबर ये आ रही है कि अब उनके ऊपर बड़ी कार्रवाई हो सकती है और डीएम बीएन सिंह को निलंबित किया जा सकता है।